मतलब लीन करने पे जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, ये देखो आप 79 और 80। अब ब्रेक टेस्ट करते हैं इसके, कितनी प्रॉपरली लीन हो रही है यार। पल्सर 125 के मेरे ही चैनल पे 2 से 3 माइलेज टेस्ट है, और इतने माइलेज टेस्ट में भी मुझे 45 के ऊपर माइलेज नहीं मिला। और सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हमारे साथ है ऑल न्यू 2023 पल्सर 125 E20 OBD2 BS6 फेस 2 अपडेटेड वेरिएंट। लुक्स देख सकते हो कैसे लग रहे हैं। पल्सर 125 लवर्स कौन है एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। डिटेल में सारे एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। इन द 2023 लेने का प्लान कर रहे हो, कैसी चॉइस रहने वाली, सारी बातें करेंगे। चलते हैं राइड पे। सबसे पहले तो चेंजेस बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कार्बोरेटर जो आता था उसको हटा के फ्यूल इंजेक्टेड कर दिया है। तो स्पेशली फ्यूल इंजेक्शन के कारण चलने में क्या डिफरेंस आ रहा है, आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो शेयर करूँगा। यहाँ पर देख सकते हो E20 की बैजिंग मिल जाती है, जो कि आपका 80% फ्यूल 20% इथेनॉल वाला इंजन है। अगले चेंज की बात करें तो अब नए टाइप के यहाँ पर आपको कट्स में अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, जो कि ओवरऑल ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है ना, कुछ नई चीज़ लग रही है। कलर थीम कैसी लग रही है एक बार कॉमेंट में ज़रूर बताना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ग्लव्स को पहनता हूँ, चलते हैं इसकी राइड पर। तो सबसे पहले तो एग्जॉस्ट हम आपको सुनाता हूँ, इसके वाइब्रेशन कितने के आ रहे साइड मिरर पर वो चेक कर लेते हैं। काफ़ी रिफाइंड इंजन है, देखो मैं कहाँ तक अभी रेव करूँगा। 10,000 RPM तक कोई भी साइड मिरर पे वाइब्रेशन नहीं, क्या गजब का रिफाइनमेंट है यार। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनिशियल पिकअप से। क्या बात है यार, मतलब रेडी टू रेव इंजन आते हैं पल्सर के, मतलब ट्रस्ट ही अलग है। बिकॉज टॉप एंड पे इसको चलाने का इतना मज़ा आता है ना इस इंजन को। अब देखो फ्यूल इंजेक्टेड कर दिया है, 125 cc का सिंगल सिलेंडर। पहले कार्बोरेटर DTSI इंजन आता था, बट अब आपको मिलता है फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। 11.6 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो देखो पावर फिगर्स जो है ना इसके सफिशियंट है, बट एक मेन क्वेश्चन ये आ जाता है जब भी लोग इस गाड़ी को राइड करते हैं, एक तो इसका वेट टू पावर रेशो, दूसरा इसका माइलेज। सारी बातें करने वाले हैं, डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। पल्सर 125 लेने का प्लान कर रहे हो या 125 cc लेने का प्लान कर रहे हो, एक पल्सर को भी ऑप्शन रखा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड जो बाइक लवर्स है वो तो मेरी वीडियो एंजॉय करते ही है, राइड्स एंजॉय करते ही है, तो यार वीडियो पर बने रहना। सबसे पहले तो देखो यार थोड़ा सा बाइक को हाई स्पीड पर राइड करके देखते हैं कैसा क्या रिफाइनमेंट है, कैसा क्या परफॉर्म कर रही है देखते हैं। सो लेट्स गो। रेव स्टिल 10,000 RPM एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 80 की स्पीड ले जाता हूँ अभी मैं। ये रिफाइनमेंट देखो यार, वाकई में बहुत ही रिफाइंड इंजन है, मतलब नेक्स्ट लेवल कंफर्ट ये प्रोवाइड कर रही है। बिकॉज पल्सर 125 देखोगे, 150 देखोगे, जो सिटिंग है ना, मतलब एक क्लिप ऑन हैंडल बार्स के कारण एक चलाने वाला फील तो आ ही जाता है। साथ ही में लॉन्ग राइड्स कर रहे हो तो आपको बैक पेन जैसा कोई भी इशू नहीं आएगा, बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर आपको देखने को मिलता है। 11.5 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। E20 का अपडेट मैं आपको बता चुका हूँ, ये कम्पीट होती है SP125, Raider 125, Hero Super Splendor 125, Glamour 125 एंड इसी की फैमिली से NS125। इतने सारे राइवल्स आ जाते हैं, तो सबसे कम्पीट करके देखेंगे। सबसे पहले तो यार टर्निंग रेडियस देखो आप इसका, मतलब लीन करने पर जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, ये देखो आप, मतलब यार लीन में इतनी इसलिए कर पाया हूँ बिकॉज इस बाइक का वेट है 142 kgs का, सेगमेंट में सबसे वेटेड बाइक है। अब इससे क्या प्रोज है क्या कौन से दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले अगर प्रोज की बात करें ना, तो अगर आप रेडर चला रहे हो, SP चला रहे हो, जितनी भी 125 cc की नॉर्मल बाइक्स चला रहे हो ना, पास से ट्रक जाते हैं या पास से कोई बड़ी गाड़ी स्पीड में जाती है ना, या अगर विंड भी ज़्यादा चल रही तो गाड़ी ऐसी हिलती है जो कि बहुत ही डीमोटिवेट करती है राइडर को, और मतलब डर लगता है सच में, गाड़ी पूरी हिल जाती है। बट ये तो यार ऐसी चिपक के चल रही, बुलेट में कैसी फील आती है कि यार पास से ट्रक निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, बिल्कुल भी हिलती नहीं है। सेम सीन पल्सर 125 के साथ है, काफ़ी प्लांटेड चल रही है। एंड अभी वैसे तो देखो मुझे साइड मिरर्स अच्छे नहीं लगते हैं, स्पेशली पल्सर पे, बट किसी भी राइडर को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा साइड मिरर्स हटाओ। बट जो भी पल्सर विदाउट साइड मिरर वाली रहती है ना, उसको तो मतलब स्पेशली मास्क और ये क्लिप ऑन हैंडल बार का एक पूरा फील देखने को मिलता है। तो वो तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं कि आप साइड मिरर्स हटाओ। यहाँ पर अगर क्लस्टर की बात करें ना, तो 12,000 तक का RPM शो कर रही है, सेमी डिजिटल है। यहाँ पर आपको एनालॉग विद डिजिटल मिलता है, और एनालॉग पे गियर चेंज का मजा ही कुछ और है, मतलब 10,000 RPM तक जा रही है गाड़ी, और क्या ही चीज़। मतलब रेव हैप्पी इंजन आपको कंपनी ने प्रोवाइड करा है, नई गाड़ी है, आप कितनी भी भगाओ काफ़ी रिफाइंड रहती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यार इंजन कहीं
ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। अब मेन कंसर्न आ जाता है व्यूअर्स का माइलेज कि यार पल्सर 125 पे पर्सनली मैं इतने माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ और जेन्युइनली बताऊँगा, मैंने जब जब इस गाड़ी का 1 लीटर माइलेज टेस्ट करा, हाई स्पीड माइलेज टेस्ट करा, टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट करा, मैक्स टू मैक्स 44 या आप मान लो 45, उसके ऊपर इस गाड़ी ने कभी माइलेज नहीं दिया। तो यार माइलेज से रिलेटेड बहुत शिकायत आती थी और उसका रीज़न ही एक था कि यार देखो पल्सर 150 आप देखोगे ना तो इसके ऑलमोस्ट ही वेट है, और अगर आप पल्सर 125 देखोगे उसका भी वेट सेम ही है। तो यार सेम वेट है और इंजन आपको 125 और 150 सीसी का मिल रहा है तो माइलेज में दिक्कत आती थी, बट अब आपको फ्यूल इंजेक्टर के कारण माइलेज 50 तक का मिल सकता है। यहाँ से यू टर्न लेते हैं, थोड़े ऑफ रोड पैच आ गया है तो यहाँ पर सस्पेंशन की भी बात कर लेते हैं। तो देखो यार सस्पेंशन इसके बहुत ही सॉफ्टर साइड है, मैं विद पिलियन राइड कर रहा हूँ, विद पिलियन भी मुझे बिल्कुल भी पावर लैग फील नहीं हुआ। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं, रियर में आपको नाइट्रो चेन शॉक एब्जॉर्वर्स मिल जाते हैं, तो सस्पेंशन बहुत ही कंफर्टेबल है। स्प्लिट सीट होने के कारण राइडर एज वेल एज पिलियन को काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाती है। पिलियन भी बैक टांग के, मैं भी यहाँ पर बैक टांग के राइड कर रहा हूँ, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि यार कहीं स्पेस की कमी है। अगर मैं दोनों के साथ कहीं एक लॉन्ग क्रूजिंग भी करूँगा ना यहाँ से 120-150 किलोमीटर की, तो ना ही हमें कोई दिक्कत आने वाली बैठने में, ना ही हमें कोई थकान होने वाली है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहने वाला है पल्सर के साथ। अब देखो यार सारी चीज़ें, जैसे कि अगर आपको ज़्यादा अच्छा माइलेज चाहिए तो मैं यही बोलूँगा कि यार एफएसपी 125 और रेडर का काफ़ी अच्छा सेल है, आप उन बाइक्स को ले लो, बट आप वो अगर रोड पर वो बाइक चलाओगे ना तो कितनी भी चला लो वो एक डेली कम्यूटर बाइक ही लगती है। बट जहाँ पल्सर को ले जाते हो ना, पल्सर NS हो गई, ये हो गई, 150 हो गई, N160 हो गई, पल्सर का एक अलग ही फैन बेस बना हुआ है इंडियन मार्केट में। स्पेशली यार 125 को ले जाते हो तो 125 और 150 में तो कोई डिफरेंस ही नहीं अगर आप इसकी बैजिंग छुपा लो। तो वो चीज़ है कि यार जो पल्सर का फैन बेस चाहते हैं वो इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं, जो अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहते हैं वो इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं, जो अच्छी स्टेबिलिटी चाहते हैं वो इस गाड़ी को ले सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस रहने वाला है सबसे बड़ा अगर बाकी गाड़ियों से कम्पीट करें हम तो। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। एक तो आपको नॉर्मल ड्रम वेरियंट मिलता है और दूसरा मिलता है आपको डिस्क ब्रेक, और डिस्क ब्रेक में आपको फ्रंट में डिस्क मिलते हैं 125 सीसी में, अभी तो ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स के साथ आई नहीं है, सिंगल डिस्क ब्रेक एंड सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। सबसे पहले चेक करते हैं इसके ब्रेक्स, मैं 80 की स्पीड पे चेक करूंगा इसके ब्रेक्स, 79 और 80। अब ब्रेक टेस्ट करते हैं इसके, ये देखो यार क्या ब्रेक्स है, मतलब दोनों मैंने इमीडिएटली लगाए। रियर का 100 सेक्शन टायर बिल्कुल भी फिसला नहीं, मतलब सिर्फ रियर का ट्राई करते हैं। ये देखो रियर की बाइक ठीक ठाक बोलूँगा, आगे का देखते हैं। है यार आगे का वाकई में यार गज़ब का ब्रेक है आगे का। यहाँ से भी लीन करके बताता हूँ, वेट का जो मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ ना, देखो वेट के कारण देखो कितनी प्रॉपरली लीन हो रही है यार, मज़ा आ गया सच में। मतलब इस बाइक को आपको चलाने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप 150 से कंपेयर करोगे ना तो मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगा, वैसे प्राइस डिफरेंस इतना नहीं है, थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो तो आप 150 की ओर जा सकते हो, बिकॉज तगड़े लुक्स के साथ वो तगड़ी पावर भी देगी। अब ये देखो 11.6 PS की पावर प्रोड्यूस करती है, 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क, अंडर पावर तो आपको नहीं लगने वाली, बट फिर भी जो आप अगर पावर लवर हो, अब डेली कम्यूटर बाइक चाह रहे हो तो आप रेडर SP के लिए जा ही सकते हो, बट आप पल्सर की ओर आ रहे हो क्योंकि आपको थोड़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए और अच्छी पावर चाहिए, तो पावर आपको देखो ठीक ठाक ही मिलेगी, अच्छी है मतलब, पर एकदम कोई ज़्यादा नहीं मिलेगी स्पोर्ट्स बाइक जैसी, और ऑब्वियसली बात है 125 सीसी के सेगमेंट से आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। बट अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो आप NS के लिए जा सकते हो, NS में भी अब कार्बोरेटर को हटा के फ्यूल इंजेक्टर कर दिया है, तो फ्यूल इंजेक्शन के कारण देखो यार आपका माइलेज कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ी जाता है। और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि आपने फ्यूल इंजेक्शन बाइक्स ले ली है तो पेट्रोल जो है ना टैंक में थोड़ा ज़्यादा ही रखना, बिकॉज अगर आप लो फ्यूल रखते हो तो आपके फ्यूल पंप खराब होने की चांसेस ज़्यादा है। तो देखो ओवरऑल बेसिक बातें हमने बहुत सारी कर दी, सारा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ, लाइक सीट हाइट की बात करें तो 790 mm की सीट हाइट है, 5'6" 5'7" के बंदे भी इसको इजीली चला सकते हैं, 142 kg इसका वेट है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ये सारे तो इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थे, बट हमेशा का जो हमारा कंक्लूजन रहता है कि यार शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट, सबसे मेन क्वेश्चन व्यूअर्स का यही रहता है और इसी चीज़ के लिए रुकते हैं कि यार हमें ये बाइक लेना चाहिए कि नहीं। जैसा कि मैं सारी बाइक से कंपेयर करके बताता हूँ और पल्सर 125 पर इतने सारे कंटेंट बना चुका हूँ, बट अभी आप ये राइड देखने इसलिए आए हो क्योंकि यार ये नया इंजन है, नया E20 वाला BS6 फेस 2 अपग्रेडेड इंजन है। तो देखो राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करें ना तो पहले भी पल्सर 125 रिफाइंड थी, राइडिंग में मुझे कोई भी डिफरेंस पता नहीं लग रहा है। मेन चीज़ यही है कि इन फ्यूचर आपको जो इथेनॉल मिक्स पेट्रोल रहेगा ना वो ये सपोर्ट कर लेगी, और फ्यूल इंजेक्शन के कारण आपको 50 तक का माइलेज ये दे सकती है, बिकॉज पल्सर 125 के मेरे ही चैनल पे 2 से 3 माइलेज टेस्ट है, और इतने माइलेज टेस्ट में भी मुझे 45 के ऊपर माइलेज
माइलेज नहीं मिला और मैं रियल लाइफ माइलेज टेस्ट करता हूँ, 1 लीटर हो गया, टैंक टू टैंक हो गया, तो आपको माइलेज से रिलेटेड शिकायत नहीं आने वाली है। और अगर आप एक अच्छी बाइक चाह रहे हो, एक वेटेड बाइक चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए बाइक चाह रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा कि यार पल्सर 125 लो और 10 साल की छुट्टी, मतलब 10 साल देखने की ज़रूरत नहीं। बाकी तो देखो यार, बाकी सारे ऑप्शन है ही, और कौन सी भी गाड़ी ऐसा तो है नहीं बेकार है, सारी गाड़ी इंडियन मार्केट में बिक रही है, सब बाइक्स लोग ले ही रहे हैं। तो ओवरऑल तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। सिटी कम्यूट में भी देख लो यार, चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्लच गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। ओवरऑल सारे स्पेसिफिकेशंस मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ,